नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी 57 परीक्षाओं से करेगा 45,896 रिक्तियों पर नियुक्ति। राज्य में खुलेंगे 36 नए थाने। 15 साल पहले बने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में होगा संशोधन। राज्य में बारिश का पूर्वानुमान। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से छीना नंबर एक का ताज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी 57 परीक्षाओं से करेगा 45,896 रिक्तियों पर नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए अपने संशोधित एग्जाम कैलेंडर के अनुसार इस बात की जानकारी निकल कर सामने आई है कि बीपीएससी के द्वारा 57 परीक्षाओं के माध्यम से इस वर्ष कुल 45,896 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दरअसल जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा समेत 4 नई परीक्षाओं का जिक्र किया गया है। मालूम हो कि इन 4 नई परीक्षाओं में अभिलेखागार निदेशक, व्याख्यात सेरेमिक इंजीनियरिंग और व्याख्यात प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के पद शामिल है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा 2.22 लाख शिक्षकों की रिक्तियों को भी बीपीएससी से करवाने की घोषणा की गई है। ऐसे में यह भी शामिल हो जाता है तो इस वर्ष बीपीएससी की ओर से नियुक्ति की संख्या 2.68 लाख हो जाएगी। हालांकि अब तक इस संदर्भ में सरकार की ओर से बीपीएससी को लिखित रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। प्रियंका गुप्ता ने चाय वाली का 6ठा आउटलेट खोला। प्रियंका गुप्ता या ग्रेजुएट चाय वाली, यह नाम हमने कई बार सुना है। ना जाने कितने परेशानियों को झेलते हुए प्रियंका गुप्ता के द्वारा अपना जज्बा दिखाते हुए आज ब्रांड बनकर खुद की पहचान बना ली है। बता दें कि प्रियंका गुप्ता ने एक और सफलता अपने नाम कर ली है। दरअसल प्रियंका गुप्ता या यूं कहें कि ग्रेजुएट चाय वाली, इन्होंने अब अपना चाय वाली का 6ठा आउटलेट बिहार के कटिहार में खोल लिया है। मालूम हो कि प्रियंका गुप्ता ने कटिहार शहर में फ्रेंचाइजी दी है। वह इस नए आउटलेट का उद्घाटन करने प्रियंका गुप्ता खुद कटिहार पहुंची थी। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जिनमें कटिहार की मेयर उषा देवी अग्रवाल, पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी समेत कई लोग के नाम शामिल हैं। वहीं प्रियंका गुप्ता का कहना है कि दूसरे राज्यों में भी उनका आउटलेट चल रहा है। पुनौरा धाम में सिर्फ जानकी माता के मंदिर का होगा निर्माण। शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर में जानकी नवमी धूमधाम से मनाई जाने वाली है। बता दें कि इस मौके पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और साथ ही इस मौके पर अष्टयाम का भी आयोजन किया जाएगा जो कि 24 घंटे बाद पूर्ण होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महावीर मंदिर के न्यास सचिव किशोर कुणाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष माता जानकी का प्राकृत उत्सव मनाया जाता है और ठीक इसी तरह इस बार भी विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष में पुनौरा धाम में सिद्ध जानकी माता के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए महावीर मंदिर न्यास की ओर से बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही औपचारिकता है जिसे पूरा करके जल्द ही इस मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। राज्य में खुलेंगे 36 नए थाने। आए दिन बिहार में शराबबंदी के नियम का उल्लंघन होने की खबर हमारे सामने आती रहती है। ऐसे में बिहार में शराबबंदी को सफल बनाया जा सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में 36 नए उत्पाद थाने खोलने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में बिहार में कुल 44 उत्पाद थाने हैं जो अधिकांश जिला स्तर पर ही हैं। वहीं अब इन 36 नए उत्पाद थाने के खुल जाने से राज्य में कुल 80 उत्पाद थाने हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 36 नए उत्पाद थाने जहां खुलेंगे उनमें रानीगंज, दाऊदनगर, कटोरी या मझौल, कहलगांव, पीरो एवं जगदीशपुर, डुमराव, बेनीपुर एवं बिड़ौल, मधुबन एवं अरेरा, शेरघाटी, महमूदपुर, बारसोई, गोगरी, उदाकिशनगंज, झंझारपुर एवं बेनीपट्टी, बहरिया, तारापुर, हिलसा, पकड़ी बनावा, धमदाह, विक्रमगंज, रोसरा एवं पटोरी, मसरक एवं सोनपुर, पुपड़ी एवं रुन्नी सैदपुर, महाराजगंज एवं रघुनाथपुर, सिमराही एवं त्रिवेणीगंज तथा महुआ अनुमंडलों के नाम शामिल हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा के रिटायरमेंट पेंशन पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह के द्वारा देश की ख्याति प्राप्त लोक गायिका और पद्मभूषण शारदा सिन्हा को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन से वंचित करने के मामले को लेकर शारदा सिन्हा के द्वारा रीट याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस दौरान कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया गया और साथ ही उनकी पेंशन का भुगतान शीघ्र से शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि शारदा सिन्हा के वकील के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 1979 में शारदा सिन्हा की नियुक्ति एक संगीत शिक्षक के रूप में यूनिवर्सिटी में हुई थी। वह समस्तीपुर स्थित महिला महाविद्यालय से 2017 में रिटायर हुई। उसके बाद अचानक कुछ विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति गड़बड़ी पाते हुए एक जांच बैठाया गया जिसमें 7 लोगों की नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई। उसमें शारदा सिन्हा का भी नाम कहां से आ गया इसका कोई आधार नहीं बताया गया।
बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 27 जून 2023 को की जाएगी। राज्य में बारिश का पूर्वानुमान। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में मौसम विभाग के द्वारा बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि जिन स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है उनमें पटना समेत प्रदेश के गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले के एक या दो स्थान शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में 20 अप्रैल के बाद अब तक लगभग 10 डिग्री पारा गिर चुका है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 179 नए कोरोना मामले। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के कुल 179 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 856 पर पहुंच गई है। वहीं राज्य में मिले इन 179 नए मरीज में से अकेले बिहार की राजधानी पटना से 99 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब राजधानी पटना में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 459 पर पहुंच गई है। वहीं पटना के अलावा भागलपुर में 67, पूर्णिया में 29 और खगड़िया में 37 एक्टिव केस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बीते दिन कुल 48,000 सैंपलों की जांच की गई है। वहीं अगर हम देश में कोरोना मरीजों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कुल 9,629 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 61,013 हो गई है। क्राइम कंट्रोल को लेकर डीजीपी भट्टी ने बुलाई बैठक। राज्य में बढ़ते अपराध को देखते हुए और अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर राज्य पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी आरएस भट्टी के द्वारा उत्तर बिहार में क्राइम कंट्रोल को करने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सबसे पहले डीजीपी गन्नेपुर स्थित FSL पहुंचे, जहां उन्होंने आपराधिक कांडों में FSL का सहयोग का हाल देखा और फिर समीक्षा करने के बाद डीजीपी IG कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रेंज के सभी SSP के साथ बैठक की और फिर बैठक खत्म होने के बाद डीजीपी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने रेंज के पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस सभा की और फिर उनकी समस्याओं का निदान करने के बाद सभी अधिकारियों को नए स्तर से निर्देश भी जारी किया गया। 15 साल पहले बने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में होगा संशोधन। ऊर्जा विभाग के द्वारा बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के हित संरक्षण से लेकर संपूर्ण आपूर्ति व्यवस्था के संचालन के मद्देनजर 15 साल पहले बने बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में संशोधन करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा सप्लाई कोड में नए प्रावधान शामिल करने को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद इस याचिका को आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा एवं सदस्य ST84 के बेंच के द्वारा स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू कर दी गई है। आयोग के द्वारा बेंच ने बिजली कंपनी को निर्देश दिया है कि वे प्रस्तावित संशोधनों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करते हुए उस पर आम लोगों की टिप्पणियां, सुझाव व आपत्तियां हासिल करें। बिहार की ये 11 ट्रेनें कल रहेंगी कैंसिल। अगर आप भी कल यानी कि शनिवार को भागलपुर बांका रेलखंड पर कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल भागलपुर बांका रेलखंड के टिकानी एवं धौनी स्टेशनों के बीच पुल संख्या 50 व 55 के मेंटेनेंस कार्य को लेकर कल 11 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 11 ट्रेनें कल रद्द होने वाली हैं उनमें ट्रेन नंबर 03452, 03449 एवं 03448 और 03447 भागलपुर बांका भागलपुर DMU, ट्रेन नंबर 03444/03443 एवं 03446/03444 भागलपुर हंसडिया भागलपुर DMU, ट्रेन नंबर 03441 हंसडिया भागलपुर DMU और ट्रेन नंबर 03633 और 03634 जमालपुर देवघर पैसेंजर ट्रेन शामिल है। 13 मई से बिहार की राजधानी में यहां सजेगा बागेश्वर धाम सरकार का दरबार। 13 मई को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्यक्रम को लेकर बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं, जो कि 17 मई को खत्म होने वाली है। बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐसी खबर चल रही थी कि उनका यह कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए अब इस कार्यक्रम स्थल को परिवर्तित कर दिया गया है। मालूम हो कि अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नौबतपुर में स्थित भगवान राघवेंद्र की धरती पर शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दरअसल गांधी मैदान में 10 मई को डिज्नीलैंड का मेला लगने वाला है। ऐसे में अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम वहां आयोजित किया जाता है तो मेला और बाबा के दरबार के कारण गांधी मैदान समेत आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति बनी रहेगी और साथ ही पार्किंग की भी समस्या होगी। ऐसे में अब उनका कार्यक्रम का आयोजन दूसरे जगह करवाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अब तक जिला प्रशासन की तरफ से इनके कार्यक्रम को लेकर अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। पूर्व MLC सोनेलाल मेहता के निधन पर सीएम नीतीश और ललन सिंह ने ट्वीट कर जताया दुख।
आज बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू नेता व पूर्व एमएलसी सोने लाल मेहता का निधन हो गया है। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया गया है। सीएम नीतीश ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्व प्रधान पार्षद सोने लाल मेहता जी का निधन दुखद, वे एक कुशल राजनेता एवं समाज सेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं ललन सिंह के द्वारा ट्वीट करते हुए कहा गया है कि समता पार्टी के गठन काल से मजबूत साथी रहे पूर्व विधान पार्षद श्री सोनेलाल मेहता जी के निधन की खबर से मर्मता हूं। उनके निधन से एक कुशल समाज सेवी एवं कर्मठ साथी की अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों के लिए संबल की कामना करता हूँ। ओम शांति शांति। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को तेज प्रताप ने दी चेतावनी। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर सुनने को आ रही थी कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को अपने कार्यक्रम को लेकर बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही बिहार में सियासी गलियारे में सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दे दी गई है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर वे बिहार हिंदू और मुस्लिमों को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका जरूर विरोध करूंगा। उन्होंने कहा कि वे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे भाईचारे का संदेश देंगे तभी उनकी एंट्री बिहार में हो सकती है। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से छीना नंबर एक का ताज। बीते दिन सवाई माधोपुर स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2023 का 37वां मैच खेला गया, जिसमें संजू सैमसन जो कि राजस्थान के कप्तान हैं उनकी टीम के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रनों से मात दे दी गई। बता दें कि इसी जीत के साथ अब राजस्थान रॉयल्स के द्वारा अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स की जगह को लेते हुए नेट रन रेट +0.939 के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं अगर चेन्नई के टीम के नेट रन रेट की बात करें तो चेन्नई का नेट रन रेट अब +0.376 का रह गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान रॉयल्स पहले अंक तालिका में तीसरे नंबर पर थी, लेकिन बीते दिन मिले इस जीत के बाद अब वह अंक तालिका में सबसे टॉप पर आ गई है। तो वहीं चेन्नई अब अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ पहुंची है। जाने आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, मृत्युंजय कुमार, बिट्टू कुमार राज, रविशंकर, शंकर मुखिया, मुटुर रंगीला, मोहम्मद सकीर हुसैन, अजीत पोरस, सोहेल अंसारी, रंजीत मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, अर्जुन राम, नौशद राजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।